गुजरात के पोरबंदर में बारिश के पानी में रेलवे ट्रैक डूबा, पोरबंदर से कलानूस के बीच का वीडियो। सौराष्ट्र से अलग अलग जिले जाने वाली ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। गुजरात के गीर सोमनाथ में जामजीर झरना उफान पर, दिखा विराट रूप। झरने तक जाने पर लगाई गई रोक, रास्ता पानी पानी। छत्तीसगढ़ के बस्तर में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात, थाने के बाहर गिरा पेड़, दबी कई गाड़ियां, 4 से 5 वाहन क्षतिग्रस्त, घरों में घुसा पानी। आंध्र प्रदेश के एलुरु में बारिश के पानी में स्कूल बस फंसी, स्थानीय लोगों ने धक्का देकर बस को बाहर निकाला, हादसे से बाल बाल बचे, स्कूली बस में बैठे बच्चे। तमिलनाडु के नीलगिरी में भारी बारिश के बाद पेड़ गिरे, सड़कें जाम, विभाग ने पेड़ को काटकर रोड से हटाया। अरुणाचल प्रदेश में भी बाढ़ की तबाही, भूस्खलन के बाद कटे कई रास्ते, पुलिस ने 6 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचाई राहत सामग्री। सीएम पेमा खांडू ने साझा की तस्वीरें, असाधारण मानवीय सेवा के लिए पुलिसकर्मियों को दी बधाई। लखीमपुर में बनबसा बैराज से छोड़ा गया पानी बना परेशानी, सड़कें कटी, पुलिस ने रास्ते से निकलने से मना किया, दुधवा नेशनल पार्क से जोड़ती है सड़क। बिहार के वाल्मीकि नगर में बाढ़ से बुरा हाल, गंडक बराज से छोड़ा गया पानी कई गांव की बना मुसीबत, लोगों ने कहा सरकार से नहीं मिल रही है कोई मदद, फसलें बर्बाद। हमीरपुर में हाईवे पर दर्दनाक हादसा, हादसे के बाद ट्रक में लगी भीषण आग, जलता हुआ वीडियो वायरल, क्लीनर को लोगों ने निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया। यूपी के कुशीनगर में ग्राम प्रधान सुरेंद्र कुशवाहा पर गंभीर आरोप, दलित युवक ने कहा सार्वजनिक शौचालय का इस्तेमाल करने पर पीटा गया, शौचालय में 4 घंटे तक बंद रखने का आरोप, बाहर से लगाया ताला। सिद्धार्थनगर में नवोदय विद्यालय के छात्रों का विरोध, पैदल चलकर तहसील पहुंचे, एसडीएम से की शिकायत, कहा विद्यालय में मिल रहा था घटिया और कच्चा खाना, खाने में मिल चुके हैं कीड़े। लखनऊ में बीच रोड पर मारपीट का वीडियो वायरल, युवक ने कार का शीशा तोड़ा, कार सवार ने बनाया वीडियो। फिरोजाबाद में बीच सड़क पर हुआ बवाल, कार से टकराई थी मौलवी की बाइक, लोगों ने कार चालक को पीटा, वीडियो वायरल। हालात बने तनावपूर्ण, पुलिस ने मामला शांत कराया। दुकान पर मालिक का नाम लिखने वाला फरमान अब पूरे उत्तर प्रदेश में लागू, सीएम योगी का फैसला। कांवड़ मार्गों पर मौजूद हर दुकान मालिक को लगानी होगी नेम प्लेट, आस्था की पवित्रता बनाए रखने का दिया गया हवाला, हलाल सर्टिफिकेट वाले उत्पाद बेचने पर भी एक्शन। यूपी के बाद उत्तराखंड में भी नाम बताओ फरमान जारी, हरिद्वार प्रशासन ने कहा दुकान मालिकों को लिखना होगा प्रोप्राइटर का नाम, कांवड़ यात्रा को देखते हुए लिया गया फैसला। यूपी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल बोले हिंदू देवी देवता के नाम पर मुस्लिम समाज के लोग चलाते हैं दुकान, नॉन वेज की होती है बिक्री, कहा जब थूकने वाला वीडियो वायरल होता है तो अखिलेश और ओवैसी को नहीं आती याद। दुकान पर नाम लिखने वाले फैसले पर एनडीए में अलग अलग राय, आरएलडी के यूपी अध्यक्ष रामाशीष राय बोले ये गैर संवैधानिक फैसला, वापस होना चाहिए फरमान। पार्टी महासचिव त्रिलोक त्यागी ने कहा मुसलमान बरसाते हैं कांवड़ यात्रियों पर फूल। यूपी सरकार के फैसले पर जेडीयू को भी ऐतराज, केसी त्यागी ने कहा बिहार में निकलती है यूपी से भी बड़ी कांवड़ यात्रा, लेकिन नहीं आया कोई ऐसा आदेश, फैसले पर हो पुनर्विचार, जब इतने सालों से ऐसा कुछ नहीं हुआ तो अब क्यों लिया जा रहा फैसला। नाम विवाद पर बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जब भी जाति या धर्म के नाम पर कोई किया जाता है बंटवारा, मैं उसका बिल्कुल भी नहीं करता समर्थन। फैसले पर सवाल उठाने वाले मुख्तार अब्बास नकवी को सोशल मीडिया पर ट्रोल्स ने घेरा, बीजेपी नेता नकवी ने तस्वीर जारी कर दिया जवाब, कहा मैं खुद कांवड़ यात्रा लेकर कई बार गया हूं, मुझे मत दो सम्मान और श्रद्धा का सर्टिफिकेट, आस्था के नाम पर नहीं होनी चाहिए सांप्रदायिकता। योगी सरकार के फैसले पर भड़की मायावती, सोशल मीडिया पर लिखा चुनावी लाभ लेने के इरादे से जारी हुआ असंवैधानिक आदेश, धर्म विशेष के लोगों का आर्थिक बायकॉट करने का प्रयास अति निंदनीय। दुकान विवाद पर बिहार में भी गरमाई सियासत, लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का पोस्ट, अयोध्या हारने की खीज और खिसकती जमीन की हताशा में बीजेपी सरकार ने लिया फैसला, सांप्रदायिक रंग देना चाहती है यूपी सरकार।
जयपुर में भी यूपी उत्तराखंड जैसा फैसला। ग्रेटर नगर निगम का फरमान, मांस मीट की दुकानों के बाहर लिखना होगा मीट हलाल का है या झटका का। कमर्शियल लाइसेंस वाले ही खोल पाएंगे दुकान, अवैध दुकानों पर चलेगा बुलडोजर। यूपी में सियासी हलचल के बीच एक्शन में आरएसएस, सह सरकारवाह अरुण कुमार 20 और 21 जुलाई को करेंगे लखनऊ में मीटिंग। सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम रह सकते हैं मौजूद। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को भी न्योता, सरकार बनाम संगठन वाले विवाद के बीच संघ की बैठक के बड़े मायने निकाले जा रहे। प्रयागराज के फूलपुर में हुई बीजेपी काशी प्रांत की कार्य समिति बैठक, बतौर मुख्य अतिथि पहुंचने वाले थे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, अचानक दौरा टला। लोकसभा चुनाव में काशी प्रांत की कई सीटों पर बीजेपी की हुई है हार। बीजेपी में खटपट की खबरों के बीच समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल का पोस्ट चर्चा, लिखा अपने घर पर नेताओं से मिलकर केशव मौर्य ने सीएम योगी के खिलाफ अंदर ही अंदर खेल कर दिया। संभवतः अगले कुछ महीनों में सीएम योगी की कुर्सी चली जाएगी। अखिलेश यादव के मानसून वाले ऑफर पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार, सोशल मीडिया पर लिखा मानसून ऑफर को 2027 में 47 पर समेटेंगे। समाजवादी पार्टी को बताया डूबता हुआ जहाज का, मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं होंगे पूरे। यूपी में अधिकारियों की मनमानी के मुद्दे पर नया घमासान, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सोनम किन्नर दे सकती हैं इस्तीफा। आज राज्यपाल से मिलने पहुंची थी, मुलाकात नहीं हुई, कल फिर जाएंगी। यूपी किन्नर कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष हैं सोनम। समाजवादी पार्टी का मुंबई में विजय सभा कार्यक्रम, कार्यक्रम के बाद धर्मेंद्र यादव, आदित्य यादव और अवधेश प्रसाद समेत कई सांसद सिद्धि विनायक मंदिर पहुंचे, किया पूजा पाठ। बिहार की नीतीश सरकार के कैबिनेट में फैसला, जमुई, नालंदा और कैमूर में बनाए जाएंगे अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, तीनों पर करीब 169 करोड़ रुपए होंगे खर्च। हाजीपुर में जेडीयू के कार्यक्रम में हंगामा, आपस में भिड़े नेता और कार्यकर्ता, जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा को एमएलसी उम्मीदवार बनाने से कुछ कार्यकर्ता नाराज। भोपाल के थाने में हुआ था सुंदरकांड, अब थाना प्रभारी को मिला कारण बताओ नोटिस। पुलिस कमिश्नर ने पूछा किस आधार पर दी गई थी सुंदरकांड की अनुमति। बीजेपी नेताओं ने अशोक गार्डन थाने में सुंदरकांड पाठ का आयोजन कर कार्यकर्ता का जन्मदिन मनाया था। थाने में सुंदरकांड पर सियासत गरमाई, दिग्विजय सिंह ने कहा अब थाने में बकरीद समेत दूसरे धर्मों के त्योहार भी मनाएंगे। कहा मैं 10 साल मुख्यमंत्री रहा लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। रांची में सहायक पुलिसकर्मियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, स्थायीकरण की मांग को लेकर सीएम आवास घेरने पहुंचे थे, 19 दिन से दे रहे थे धरना, सरकार की तरफ से कोई नहीं पहुंचा। फिर एक बार इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, याचिका में कहा गया बॉन्ड में दिए गए करोड़ों रुपए का हुआ है घोटाला, एसआईटी की निगरानी में जांच की जरूरत। 22 जुलाई को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ करेंगे सुनवाई। बिल्किस बानो केस में दो मंत्रियों को नहीं मिली अंतरिम जमानत, सुप्रीम कोर्ट का इनकार। दोषी राधेश्याम और राजू भाई ने कहा था कि जब तक उनकी रिहाई पर गुजरात सरकार फैसला लेती है तब तक उन्हें अंतरिम जमानत दी जाए। कोर्ट ने याचिका के औचित्य पर सवाल उठाए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला कर्मचारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से मांगा जवाब। याचिका में मांग की गई है कि पुलिस को राज्यपाल के खिलाफ जांच की अनुमति दी जाए, लेकिन राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत आपराधिक केस में छूट मिली हुई है, इसे भी याचिका में चुनौती दी गई है। विवादित आईएएस पूजा खेडकर पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दर्ज की एफआईआर, यूपीएससी की शिकायत पर केस दर्ज, फर्जी पहचान के आधार पर चयन का आरोप, कई जगह गलत दस्तावेज इस्तेमाल करने के भी आरोप, भविष्य में परीक्षा देने पर भी लगी रोक। नीट पेपर लीक में गिरफ्तार किए गए पटना एम्स के 4 मेडिकल स्टूडेंट्स से सीबीआई की पूछताछ जारी, कैमरे पर मुंह छिपाते दिखे आरोपी, 4 दिन की मिली है रिमांड, एम्स ने 4 को सस्पेंड किया। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद लिव इन रिलेशनशिप को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट का पहला फैसला, 48 घंटे के भीतर रजिस्ट्रेशन करने के निर्देश, याचिकाकर्ता ने कहा था अलग अलग धर्म के हैं इसलिए जान का खतरा, सुरक्षा की मांग की। पटना में कंस्ट्रक्शन कंपनी के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक्शन, विवादों में रही है एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी, कंपनी के बनाए पुल बिहार में गिर चुके हैं,